लाइफ में फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे बुरे वक्त में अच्छे फ्रेंड्स हमारी हेल्प करते हैं, उसी तरह अबाकस में भी फ्रेंड्स होते हैं। अबाकस में अगर कोई सम सॉल्व करते समय अगर रॉड पर उस वैल्यू की बीड नहीं होती है तो हम हमारे फ्रेंड्स की मदद लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप इसको इस तरह से समझे, जैसे अगर मान लीजिए आप करना चाहते हैं 1 + 2 + 9, ठीक है। अब ये हमारा सम है, आप इधर देखें, आपने किया 1 + 2, अब आपको 9 चाहिए और 9 इस रॉड में नहीं है, ये टेंस की रॉड है, यहां पे भी नहीं है। तो ये सम हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये हम करेंगे फ्रेंड्स की हेल्प से। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप करना चाहते हैं 1 + 2 + 8, ठीक है। आपने बैकस क्लीन किया, अब आपने किया वापस 1 + 2, आपको 8 करना है और 8 आपके पास नहीं है, ऊपर 5 की बीड है, नीचे 1 की बीड है और पास में टेंस की बीड है। तो यहां पर भी हम कैसे करेंगे? यहां पे हम करेंगे फ्रेंड्स की हेल्प से, और ये सम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है फ्रेंड्स से। आज हम सीखेंगे अबाकस में फ्रेंड्स। अबाकस में दो तरह के फ्रेंड्स होते हैं, एक बिग फ्रेंड और एक स्मॉल फ्रेंड। बिग फ्रेंड का हमारा बेस है 10 और स्मॉल फ्रेंड का हमारा बेस है 5। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपको अबाकस में +9 की जरूरत है और आपके पास 9 की बीट नहीं है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? +10 - 1, आप +10 कीजिए -1 कीजिए तो ऑटोमेटिकली आपके पास 9 की वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए आप 8 करना चाहते हैं 8, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? +10 - 2। मान लीजिए आप 7 की आपको जरूरत है तो आप क्या करेंगे? +10 - 3। मान लीजिए आपको 6 की जरूरत है तो आप क्या करेंगे? +10 - 4। मान लीजिए आपको 5 की जरूरत है तो आप क्या करेंगे? +10 - 5। मान लीजिए आपको 4 की जरूरत है तो आप क्या करेंगे? +10 - 6। मान लीजिए आपको 3 की जरूरत है तो आप क्या करेंगे? +10 - 7। मान लीजिए आपको 2 की जरूरत है तो आप क्या करेंगे? +10 - 8। मान लीजिए आपको 1 की जरूरत है तो आप क्या करेंगे? +10 - 9। तो इस तरह से बिग फ्रेंड पॉजिटिव कंपोनेंट की हेल्प से आप ये वैल्यूज हासिल कर सकते हैं। अब हम अगले चैप्टर्स में हर फॉर्मूले के ऊपर हम कुछ सम्स करके देखेंगे। आज से हम शुरू करेंगे बिग फ्रेंड पॉजिटिव कंपोनेंट। मान लीजिए आपके पास अबाकस रॉड पर +9 की वैल्यू नहीं है तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? +10 - 1। आज हम कुछ सम्स करके देखते हैं। हमारा सबसे पहला सम है 6 + 9 + 4। तो सबसे पहले आपने किया 5 ऊपर से ली बीट और नीचे से 1, दिस इज 6। अब 9 चाहिए आपको और 9 आपके पास रॉड पर नहीं है तो आप क्या करेंगे? यहां से +10 करेंगे और -1 करेंगे। फिर आपको चाहिए 4, दिस इज 4। आपका आंसर आ गया 19। हमारा नेक्स्ट सम है 4 - 3 + 9। क्लीन योर अबाकस सबसे पहले, देन आपको चाहिए 4, दिस इज 1 2 3 4 4। अब आपने किया इसमें से -3, अब आपको चाहिए +9, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे +10 - 1। आपका आंसर है 10। क्लीन योर अबाकस। आपका नेक्स्ट सम है 8 - 2 + 9। तो सबसे पहले आपने किया 8 5 और 3 नीचे से, दिस इज 8, आपने किया -2। अब आपको चाहिए +9, तो उसके लिए आपने क्या किया? +10 - 1। आपका आंसर आ गया 15। आई होप आपको +9 का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। बिग फ्रेंड्स, अब हम प्रैक्टिस करेंगे बिग फ्रेंड्स पॉजिटिव कंपोनेंट में
प्लस 9 की वैल्यू को स्टूडेंट अबाकस पर ऐड करना। हमारा सबसे पहला सम है 6 प्लस 9 प्लस 4, तो सबसे पहले आपने रॉड पे सेट किया 6, दिस इज 6 प्लस 9, तो प्लस 9 करने के लिए आप क्या करेंगे, प्लस 10 माइनस 1, अब आपको चाहिए 4 जो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। आपका आंसर है 19। नाउ क्लीन योर अबाकस। आपका नेक्स्ट सम है 8 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 3, तो सबसे पहले आपने रॉड पे सेट किया 8, दिस इज 8, अब आपको चाहिए प्लस 9, तो प्लस 9 के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, प्लस 10 माइनस 1, अब आपको चाहिए अगेन 9 की वैल्यू, जिसके लिए आप फॉर्मूला वापस लगाएंगे प्लस 10 माइनस 1, अब आपको चाहिए 3 जो आपके पास रॉड पर है, ये आपने किया 3, आपका आंसर है 29। नाउ क्लीन योर अबाकस। आपका नेक्स्ट सम है 5 प्लस 3 माइनस 7 प्लस 9, तो रॉड पे सबसे पहले आपने पुट किया 5, अब आपको चाहिए 3, 3 आपने लिया वंस रॉड से 3, अब आपको चाहिए माइनस 7, माइनस 7 आपने किया डायरेक्टली, अब आपको चाहिए 9 जिसके लिए आपने फॉर्मूला लगाया प्लस 10 माइनस 1, आपका आंसर है 10। आई होप स्टूडेंट अबाकस पर आज आप प्लस 9 की वैल्यू ऐड करना सीख गए।